हाउ आर यू? माय नेम इज़ लालेन। जैसे कि आपको पता ही है, आज मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए करना। कल मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी, जिसके बाद सबने मुझे पूछा कि क्या हुआ है, सैड क्यों हो और इस तरह की सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि मैं आदिल अनवर को हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट करा है, हर चीज़ के लिए उसको बोला है कि ऐसे करो, करो ये नहीं करो, वो नहीं करो और सारी चीज़ें। और मैंने हमेशा उसको बोला है कि तुम दुबई आओ और हम यहाँ ब्लॉग्स बनाते हैं, हम इंजॉय करते हैं और ऑल दैट थिंग्स। बट अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद उस इंसान का नाम भी नहीं लेना चाहती, उस इंसान के बारे में बात भी नहीं करना चाहती और ना ही तो उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ। ये सब मैं इसलिए नहीं आपको बता रही कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो या आप लोग मेरे लिए कुछ बोलो या इस तरह। मैं बस इतना बता रही हूँ कि जो लोग मुझे कहते थे कि यार तुम उसका नाम मत लिया करो, उसकी बात मत किया करो, तो आज के बाद फाइनली मैं उसकी कभी बात नहीं करूँगी। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में ये लिखना बंद कर दो कि आदिल अनवर, आदिल अनवर प्लीज़। मैंने आज के बाद उसके बारे में ना ही कोई बात करनी है, ना ही आप लोग कोई कमेंट करना, ना ही तो कुछ और। और अगर कोई ऐसा कमेंट होगा जिसमें उसका नाम लिया जाएगा तो वो सीधा का सीधा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात का बहुत ख्याल रखिएगा। और मुझे पता है आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना ही मैंने कहना था। और आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, आज मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात शेयर करने के लिए आई थी जो मैंने कर दी है। तो इसके आगे इंशाल्लाह कल से मैं ब्लॉग बनाऊंगी और बस और कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, जो आज मैंने बता दी है। तो आगे से आप लोग भी ख्याल रखिएगा और होपफुली मैं भी ख्याल रखूँगी। मैं भी ऐसी कोई बात नहीं अब दोबारा करूँगी क्योंकि मेरे जो सपोर्टर्स हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो जो चीज़ उनको पसंद नहीं है तो वो चीज़ मैं बार बार क्यों करूँ और उनको इस तरह से इरिटेट क्यों करूँ, ठीक है? और हुआ क्या है जिस वजह से मैं ऐसी सब बातें कर रही हूँ, अगर आप लोग वो भी जानना चाहते हैं मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। बस आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ईद इन्जॉय करें और इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों से मिलते हैं, मतलब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल को, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्यों। आई थिंक सो कि मुझे आदत नहीं है घर का काम करने की, और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तो मैं अपने घर का सारा काम खुद कर रही हूँ, जिसकी वजह से आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो ओके, आज मैंने बस इतना ही कहना है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ब्लॉग कर बनाने का। तो और हाँ, दूसरी बात ये है कि बहुत जल्द आपको एक मज़े का इंटरेस्टिंग व्लॉग मिलने लगा है, और किसके साथ मिलने लगा है वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं किसी और के साथ मज़े के व्लॉग्स बनाऊँ या मैं अकेले ही व्लॉग्स बनाया करूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।